माननीय लालू प्रसाद जी की तबीयत अच्छी नहीं है और पहले से धीरे धीरे और ख़राब हुई है। बुलेटिन में भी आता रहा है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि इसके बावजूद जो सरकार है उसका ध्यान उसकी इस जिम्मेवारी के प्रति क्यों नहीं है कि उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था, बेहतर हॉस्पिटल में कराई जाए। यह निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा भी विचारणीय विषय है। इस पर कोई टिप्पणी बाहर नहीं की जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आगे अपने निर्णयों में कुछ ऐसा निर्णय जरूर देंगी जिससे कि मानवता पर आधारित उनको कुछ राहत मिल सके। क्या आपकी पार्टी उनको फिर से दिल्ली एम्स ले जाने की मांग कर रही है? हमारी पार्टी बेहतर इलाज की मांग कर रही है, दिल्ली हो या बॉम्बे। माननीय लालू प्रसाद जी इस राज्य नहीं पूरे देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के मन पर राज करते हैं और उनके द्वारा उनका हमेशा उनके किए गए कार्यों के प्रति लोगों का हमेशा समर्थन रहा है। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व यदि आज राजनीतिक पूर्वाग्रहों की वजह से आज जेल के अंदर हैं तो हमें कोर्ट पर, माननीय न्यायालय पर बहुत भरोसा है और साथ साथ ही साथ देश की जनता, राज्य की जनता और हर व्यक्ति की इच्छा है कि माननीय लालू प्रसाद जी को बेहतर इलाज के लिए उन्हें और अच्छे हॉस्पिटल में, देश के बड़े हॉस्पिटल में, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहां उन्हें भेजने की जरूरत है। आलोक जी, आपकी पार्टी ने एक पत्र झारखंड के मुख्य सचिव को भी लिखा कि आपकी पार्टी ने जरूरत महसूस किया है कि लालू यादव को बेहतर इलाज की जरूरत, तो क्या कुछ इस बात का शक हो रहा है या फिर कुछ इस बात का आभास हो रहा है जो केंद्र की सरकार है वो लालू प्रसाद यादव को मार डालेगी? ये शक हो रहा है, आपने पिछले दिनों देखा ही होगा जो सीबीआई के चीफ थे उनका क्या बयान था, उनका क्या खुलासा था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब ये शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा है। पहले शक था कि माननीय लालू प्रसाद जी को इलेक्शन कैंपेन करने, राजनीति करने से रोकने की तमाम साजिशें चल रही थी, वो दिख रहा है सामने उनके बयानों से, और अब उन्हीं के बयानों से यकीन में बदलता जा रहा है यह चीज़ कि लालू जी को राजनीतिक रूप से पूरी तरह समाप्त करने, जो समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर की जुबान है, मजबूत जुबान, एक प्रजातांत्रिक पद्धति में यह मजबूत जुबान बंद करने की यह साजिश की बू आ रही है, तो ऐसा माना जाएगा कि यह डिक्टेटरशिप की तरफ यह देश और राज्य जा रहा है। क्या वर्तमान केंद्र सरकार लालू प्रसाद यादव को समाप्त कर देना चाहती? उनकी इच्छा यदि फलीभूत होती, क्योंकि आम जनता का समर्थन और आशीर्वाद है, इसलिए वो सस्टेन करने वाले और मजबूत इरादों के दिल के व्यक्ति हैं, इसलिए वो सस्टेन कर रहे हैं। यदि उनका क्या मोदी सरकार जो है लालू प्रसाद यादव को समाप्त करने की साजिश कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी उनका वश चल रहा होता, पूरा चलता जनता के सामने, क्योंकि जनता उनके खिलाफ हो रही है, तो जनता के सामने तो अभी तक समाप्त कर दिए होते, लेकिन जनता का आशीर्वाद है, यानी समाप्त करना चाहते हैं। अब बिल्कुल, मतलब ये दिखता है, जो जिस तरह की साजिशें चल रही हैं उससे ऐसा दिखता है कि वो यही चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, यही चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वही चाहते हैं। क्या?
जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता की तरह लेकर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सिर्फ लालू प्रसाद चूंकि एक विचार है, उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का परचम हमेशा फहराया है किसी भी परिस्थिति में, और वो कष्ट देकर उन्हें तोड़ना चाहते हैं, वो टूटने वाले व्यक्ति नहीं है, समाप्त होने वाले इतने सारे करोड़ों लोगों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को प्राप्त हो, जिसकी ताकत उनके साथ हो, उन्हें समाप्त करना इन लोगों के बस की चीज नहीं है। फिर भी खर्च करने ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो, मोदी सरकार कर रही है बिल्कुल। ये दिख रहा है कि मोदी सरकार में बैठे लोग CBI को मैनिपुलेट यदि कर रहे हैं, सरकार का हिस्सा सरकार की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि एक मंत्री पर कोई आरोप लगता है तो पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जिम्मेवार होता है, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बच सकते हैं उससे। तो यह कहा जा सकता है कि यह जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो इस देश में डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं, जो दबे कुचलों की जुबान को बंद करना चाहते हैं, वो पूरी ताकतें एक साथ एकजुट होकर लालू प्रसाद जैसी बड़ी शख्सियत को, जो जनता की आवाज है, उन्हें दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, क्या केंद्र की मोदी सरकार लालू प्रसाद यादव से डरी हुई है? बिल्कुल डरी हुई है, और अब वो वोट के माध्यम से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जीतने के बजाय इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेट करके, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट के माध्यम से, जो आम जनता की भावना है उसको भ्रम में डालकर और टेक्नोलॉजी वाइज मैनिपुलेट करके वो जीतना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि यह पूरा का पूरा एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच है केंद्र सरकार का, और उसमें अब राज्य सरकार भी शामिल है।